Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss the NCERT exercise of chapter number 11, Thermal Properties of Matter, in which your first question is, the triple point of neon and carbon dioxide are 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin respectively. आपको नियोन का 24.57 दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का 216.55 केल्विन ट्रिपल पॉइंट दिया है। ट्रिपल पॉइंट के बारे में बेटा हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी मटेरियल की तीनों स्टेट आपकी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक ऐसा सिंगल पॉइंट जहां पर तीनों स्टेट रहती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। सो नाउ एक्सप्रेस दीज टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल। आपको केल्विन में दिए हुए हैं, कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है, लाइक यू कैन से हियर दिस इज ट्रिपल पॉइंट। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। सो इन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। सो यू कैन सी दैट केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच का रिलेशन क्या होता है बेटा, टीके माइनस 273.15, उसके बाद आपका टेम्परेचर जो आएगा दैट विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड। सो टीसी विल बी इक्वल टू टीके माइनस 273.15 एंड टीके यू आर गिवन इन द क्वेश्चन। सो फॉर नियोन टीके विल बी 24.57 एंड टीसी विल बिकम 24.57 माइनस 273.15, इट विल बी इक्वल टू माइनस 248.58 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सेंटीग्रेड में है और मैंने आपको बताया था बेटा कि सेंटीग्रेड का जो स्केल होता है वो जीरो से नीचे भी आपका लाई करता है। मिनिमम वो कहाँ जाके होता है, 273 के ऊपर जाके उसका एब्सोल्यूट जीरो मिलता है, जहां पर प्रेशर भी जीरो हो जाता है आपका, और वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जिसको हम केल्विन की टर्म में जीरो बोलते हैं। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर सेंटीग्रेड के अंदर पॉसिबल है। नाउ फॉर CO2 गैस, अगेन सेम फॉर्मूला यू हैव टू यूज। नाउ यू विल गेट टीसी विल बी इक्वल टू 216.55 माइनस 273.15, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड आउट दैट यू कैन कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेंटीग्रेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फारेनहाइट स्केल में। फारेनहाइट स्केल का रिलेशनशिप भी बेटा हमने देखा था, व्हाट वाज दैट रिलेशनशिप, टीके माइनस 273.15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। केल्विन स्केल में आपका डिवीजन कितना था, 100 था, दैट विल बी इक्वल टू टीएफ माइनस 32 इनिशियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, दिस वाज 180। तो आपको यहां पर टी के गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज पता है, टी एफ यू हैव टू फाइंड आउट। सो टी के इन बोथ द नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव टू पुट हियर एंड यू कैन गेट द टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 5, टू आइडियल गैस थर्मामीटर ए एंड बी यूज ऑक्सीजन हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली। आपके पास दो गैस थर्मामीटर है ए और बी, इसमें फर्स्ट में आपने ऑक्सीजन को यूज किया, सेकंड में आपने हाइड्रोजन को यूज किया। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, आपको दिया हुआ है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आपको दिया है प्रेशर थर्मामीटर इन ए, ये आपको दिया है 1.250 × 10⁵ पास्कल, बी में आपको दिया है 0.2 × 10⁵ पास्कल, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर आपको गिवन है बेटा ये दोनों वैल्यू। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रीड बाय थर्मामीटर ए एंड बी। हमने बताया था नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट की बात कहाँ करते हैं बेटा, जब हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं हम, तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट हमसे पूछा है लेट टी बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, तो थर्मामीटर ए के लिए आप क्या देखेंगे बेटा, उस केस में आपकी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ट्रिपल पॉइंट कितना दिया है 1.250 × 10⁵ पास्कल, और प्रेशर बी प्रेशर कितना दिया है आपका यहाँ पर बेटा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर 1.797 × 10⁵ पास्कल। सो यू हैव टू यूज द रिलेशन TA अपॉन TR इज इक्वल टू P अपॉन PR। तो आपको TA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थर्मामीटर टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है A थर्मामीटर के लिए। सो यू विल यूज दिस रिलेशन T ऑफ TR दैट इज ट्रिपल पॉइंट के ऊपर इनटू P अपॉन PTR। TR की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है 1.TR की वैल्यू आपको गिवन है, P और PR की वैल्यूज भी आपको गिवन है। सो यू कैन यूज दिस रिलेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट फॉर B, B के लिए भी आपका सेम केस होगा बेटा, TB इज इक्वल टू TTR इनटू P अपॉन PTR। आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये रिलेशन यूज करके आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटा,
What do you think is the reason behind the slight difference in the answer of thermometer A and B? A और B के आंसर के अंदर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है. दिस इज 392.69, दिस इज 391.98. ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? थर्मामीटर आपका फॉल्टी नहीं है, ये कंडीशन आपको दी हुई है. तो बेटा यहाँ पर ये डिफरेंस बेसिकली किस लिए आता है? क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को, गैस को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा आइडियल गैस के केस में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये डिफरेंस आता है. सो द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर फाउंड फ्रॉम द टू थर्मामीटर स्लाइटली डिफरेंट है. द गैसेज डू नॉट बिहेव स्ट्रिक्टली एज परफेक्ट गैस, वो आइडियल गैस परफेक्ट गैस की तरह बिहेव नहीं करते हैं. टू रिड्यूस, हमें डिस्क्रिपेंसी रिड्यूस करनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? गैस को एज ए आइडियल गैस की तरह बिहेव कराना पड़ेगा, और ऐसे केस के लिए हमें लोअर प्रेशर की बात करनी होती है. अगर उस केस में हम इनके ग्राफ को देखेंगे तो हमारा दोनों का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा. तो अगर हम इनकी डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करना चाहते हैं, सो वी हैव टू लिमिट द प्रेशर टेंडिंग टू जीरो. लोअर, जितना लोअर आप प्रेशर पॉसिबल कर पाते हैं, उस केस में हमारी जो गैसेज है वो क्या करेंगे बेटा? आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगी. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज रिलेटेड टू थर्मल एक्सपेंशन. व्हाट इज दिस क्वेश्चन? अ लार्ज स्टील व्हील इज टू बी बेफिटेड ऑन अ शाफ्ट ऑफ अ सेम मटेरियल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. द आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 8.7 सेंटीमीटर. जब रूम टेम्परेचर है तो उसका डायमीटर कितना है बेटा? 8.7 है. द डायमीटर ऑफ द सेंट्रल होल इन द व्हील इज 8.69. ये भी 27 के ऊपर ही है. द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस. अब आपने उसके टेम्परेचर को लो कर दिया है, ड्राई आइस की हेल्प से उसको आपने कूल डाउन कर दिया है. एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन द शाफ्ट. किस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो शाफ्ट है वो व्हील के ऊपर स्लिप करेगा? तो आपको नेक्स्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर आपकी ड्राई होके पहुंचा है. क्या क्या गिवन है? एज्यूम कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द स्टील टू बी कॉन्स्टेंट ओवर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज. जो कि आपको कितना दिया हुआ बेटा स्टील का? 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन. ये आपको टेम्परेचर का कोफिशियंट दिया हुआ है. आपको सेकंड टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे देखेंगे बेटा? हमें यहाँ पर डायमीटर दिया है तो हमें एरियल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा. तो T1 आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, D1 आपको 8.7 दिया है, और T2 टेम्परेचर के ऊपर आपको शाफ्ट में चेंज कितना दिया है? 8.69 दिया है. स्टील के लिए आपको अल्फा भी गिवन है. तो अब हम एरियल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे. एरियल एक्सपेंशन आप कैसे बोलते थे, या फिर आप यहाँ पर डायमीटर एरियल में करोगे तो आपका दोनों साइड में पाई भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. बाकी आप यहाँ पर सिंपली डायमीटर की हेल्प से भी कर सकते हैं. तो सिंपली डायमीटर को आप कैसे बोलोगे कि लेंथ में चेंज हो रहा है? तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू टेम्परेचर डिफरेंस. सो यू कैन सी डेल्टा डी विल बी इक्वल टू, दैट विल बी D2 माइनस T1, फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर. That will be equal to alpha into initial diameter into temperature difference, that is T2 minus T1. तो D2 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 8.69 हो जाएगा. D1 कितना हो जाएगा? 8.70 हो जाएगा. अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, T2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, T1 की वैल्यू आपको गिवन है 27. तो आप अगर इसको 27 में यूज करोगे बेटा, दैट इज आप यूज कर रहे हो सेंटीग्रेड में, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी डायरेक्टली सेंटीग्रेड में ही आएगा. बाकी अगर आप इसको यहाँ पर केल्विन में यूज करके देखना चाहते हैं तो आप इसको केल्विन में भी कर सकते हैं. उसके बाद जो आपका T2 आएगा वो भी बेटा, क्योंकि हमने पढ़ा था सेम यूनिट एंड मेजरमेंट में कि सेम डायमेंशन में से सेम डायमेंशन ही माइनस होती है, यहाँ पर आपने टेम्परेचर सेंटीग्रेड में यूज किया तो आपका T2 डायरेक्टली सेंटीग्रेड में आ जाएगा, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट. लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको केल्विन में यूज करेंगे, लाइक 273 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, जब फाइनल आंसर आएगा T2, इफ द आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड, देन यू हैव टू अगेन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 273. अदरवाइज जो आपका आंसर, अगर MCQ है तो आपका जो आंसर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हैं. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट. एक कॉपर शीट है जिसके अंदर एक होल आपने ड्रिल किया था. डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर रूम टेम्परेचर के ऊपर. What is the change in diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degree centigrade? This is T1, this is T2, D1 दिया है, D2 आपको find out करना है. Coefficient of linear expansion आपसे पूछा है. जब आपने sheet की बात करी तो बेटा आपको area की बात करनी पड़ेगी. तो आपको A1 और A2, A1 के लिए आपको diameter दिया है, आप A1 find out कर सकते हैं, A2 के लिए आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है. लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशियंट दिया है, लेकिन हमने रिलेशन देखा था कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो लीनियर एक्सपेंशन का 2 टाइम आ जाता है, अल्फा बीटा और गामा में. हमने रिलेशन देखा था कि अगर लीनियर की बात करते हैं तो 1
एरियल की बात करते तो 2 टाइम और वॉल्यूमेट्रिक की बात करते तो 3 टाइम आ जाता है. तो यहाँ पर बीटा जो आप सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशियंट देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा बिकॉज यू आर गिवन हेयर द लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द हेल्प ऑफ 2. नाउ सिंपली यूज द फॉर्मूला फॉर थर्मल एक्सपेंशन सुपरफिशियल केस. सो इंक्रीज इन एरिया दैट इज A2 - A1 दैट विल बी इक्वल टू बीटा A1 इंटू डेल्टा टी. टी आपको दोनों दिए हुए हैं, A1 आपको पता है, A2 आपको फाइंड आउट करना है, मतलब डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है, बीटा आपको दिया हुआ है. यूज दीज ओल्ड टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द चेंज इन डायमीटर. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 विच इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू रोड. एक ब्रास की रोड है, एक आपकी स्टील की रोड है. ब्रास की रोड की लेंथ 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 mm है. सेम लेंथ और डायमीटर की स्टील की रोड से आपको इसने ज्वाइन किया हुआ है. सो व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द कंबाइंड रोड. जब आपने इनको ज्वाइन कर दिया है उस टाइम पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वहां का टेम्परेचर है तो उस केस में आपका चेंज इन लेंथ कितना होगा. इफ द ओरिजिनल लेंथ आर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इनिशियली जो आपका टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है. जब आपने ज्वाइन कर दिया है, कॉम्बिनेशन बना दिया है तो उस केस में आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. आपसे बोला है द एंड ऑफ द रोड आर फ्री टू एक्सपेंड. कोफिशियंट आपको लीनियर एक्सपेंशन के दिए हुए हैं बेटा ब्रास और स्टील दोनों के लिए. तो लेंथ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ स्टील दोनों की सेम होगी, डायमीटर भी दोनों का सेम होगा. यू हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल चेंज इन लेंथ इन बोथ द रोड्स. सो डेल्टा टी आपको दोनों में यूज करना होगा. आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइनल टेम्परेचर आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इनिशियली आपको 40 दिया. तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 250 - 40 दैट विल बी इक्वल टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड. अल्फा आपको दोनों के दिए हुए हैं, आपको चेंज निकालना है. तो डेल्टा एल लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, तीनों वैल्यू आपको गिवन है दोनों के लिए. स्टील और ब्रास के लिए सेपरेटली आप फाइंड आउट करेंगे. फिर आपको बोला है कि टोटल कॉम्बिनेशन के केस में टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा. तो बेटा आपको इन दोनों को एड ऑन करना होगा, डेल्टा एल फॉर ब्रास प्लस डेल्टा एल फॉर स्टील. दोनों की आपकी चेंज इन लेंथ ये हो जाएगी. तो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बट इन केस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड. ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था जो कि एनसीईआरटी में था. तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं बेटा. Your next question is question number 12 which is related to specific heat. Read this question. A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminium block of mass 8 kg. आपको पावर दी है बेटा 10 kilowatt और आपको ब्लॉक का मास दिया है 8 kg. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minute? आपको टाइम दिया है 2.5 minute. हम स्टैंडर्ड के लिए SI यूनिट के लिए इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद आपको क्या दिया है. Assuming 50% of power is used up in heating the machine itself. हमने क्या कहा था कि अपने पास जो भी एनर्जी अपन देते हैं, कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल में हमने देखा था कि एनर्जी में सराउंडिंग में कोई भी लूज नहीं होता है. बट प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि कुछ एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग को चली जाती है या किसी भी अदर फॉर्म में रिलीज हो जाती है. जितनी हमने दी है उतना का उतना आपका गेन नहीं होता है. तो इसमें इस क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, 50% जो पावर है वो आपकी सराउंडिंग को लॉस्ट हो गई है. स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है कि टेम्परेचर में कितना राइज होगा. तो पार आपको दी है, मास आपको दिया, राइज इन टेम्परेचर हमने लेट कर लिया डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर रहे. टाइम हमें 2.5 मिनट दिया है. SI यूनिट के लिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके 150 सेकंड आपका टाइम आ गया है. स्पेसिफिक हीट आपको दी है टोटल. अब हमें पावर दी है और लेकिन हमें तो स्पेसिफिक हीट के लिए एनर्जी चाहिए होती है. तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा. पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो टाइम दिया है, पावर दिया, तो आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो. 10^4 × 150 इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट इट विल बी 50 × 10^5 जूल. अब आपको कितना पावर, 50% तो आपके लूज हो गई है सराउंडिंग के लिए ही. तो पहले आपको अवेलेबल एनर्जी कितनी होगी जो कि उसको हीट अप करेगी, वो 50% बचेगी. तो हमें 50% इसका निकालना होगा. डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 1/2 मींस 50% ऑफ दिस पार टोटल एनर्जी 50 × 10^5 दैट विल बी इक्वल टू 7.5 × 10^5 जूल. अब आपकी ये जो एनर्जी होगी बेटा ये उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमें अवेलेबल होगी. तो अब हमारा वही फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम सी. यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर, इट विल बी समथिंग 103 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ बेटा स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम कॉन्सेप्ट टेम्परेचर से रिलेटेड है. इसके अंदर हमें कॉपर ब्लॉक 2.5 केजी का दिया है, टेम्परेचर उसका 500 है. उसके बाद उसको लार्ज आइस ब्लॉक में रखा है.
अब कितनी आइस उससे मेल्ट होगी बेटा। तो आइस के मेल्टिंग के लिए तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 0 डिग्री पे ही आइस मेल्ट होगी, मतलब उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। और इसके टेम्परेचर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, एमसी डेल्टा टी क्यू इक्वल टू यूज करना होगा। दोनों की स्पेसिफिक हीट आपको फ्यूजन की और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर गिवन है। तो मास ऑफ कॉपर ब्लॉक फॉल इन टेम्परेचर हमने मान लिया कि 500 से लेकर और वो कहाँ तक आता है, 0 तक आता है, तभी तो वो 0 डिग्री के आइस में कन्वर्ट होगा। तो हमारा हीट गेन बाई आइस इज इक्वल टू हीट लूज बाई कॉपर, एम डैश मतलब फ्यूजन इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी।